भोजपुरी दर्शकों को एक शिकायत हमेशा रहती है कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अश्लीलता है। एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ अश्लीलता ही परोसा जाता है दर्शकों के आगे। लेकिन आज मैं आप सबको भोजपुरी की ही एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका अश्लीलता से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही वो अश्लील कपड़े पहनती हैं और ना ही उनका कोई एल्बम या मूवी भी अश्लील रहती है। आप सबने देखा होगा कि कई सारी इंडस्ट्री में भी एक दो हीरोइन तो ऐसी होती हैं जिनका अश्लील प्रोजेक्ट भी नहीं रहता है और ना ही वो लोग भी अश्लील कपड़े पहनते हैं। सो मैं आप सबको बता दूं कि भोजपुरी में भी एक ऐसी हीरोइन है और वो हीरोइन है एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता। जी हाँ, अभिनेत्री रक्षा गुप्ता ही हैं जो कि ना तो कभी रियल लाइफ में और ना ही पर्दे पर भी कभी अश्लील कपड़े पहने हैं और उनका कोई एल्बम या मूवी भी अश्लील नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि ये अभिनेत्री अश्लील कपड़े नहीं पहनती हैं तो इनके पास कोई काम नहीं है या फिर ये एल्बम नहीं करती हैं, बल्कि रक्षा गुप्ता तो सबसे ज्यादा अभी के समय में बिजी हीरोइन हैं। इनका लगातार कोई न कोई मूवी और एल्बम आते ही रहते हैं। रक्षा गुप्ता 3-4 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, लेकिन इनका हर प्रोजेक्ट बहुत ही साफ सुथरा रहता है। साथ ही इनके शालीनता के लिए इन्हें सरल सलील अवार्ड से नवाजा भी गया है। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि अश्लील नहीं रहेंगे, अश्लील कपड़े नहीं पहनेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, उनके लिए रक्षा गुप्ता जीता जागता उदाहरण है कि काम के आगे अश्लीलता का कोई मायने नहीं रखता है। आप सब क्या सोचते हैं इस अभिनेत्री के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, और इनके शालीनता के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।